हाय हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। और कहीं प्रोटेस्ट करने नहीं गई? अरे नहीं यार, अब मेरे समझ में सब आ गया है। क्या? यही कि जो NRC है वो तो सिर्फ असम में ही लागू हुआ है, पूरे नेशन वाइड तो नहीं हुआ है ना, है ना? तो फिर ये लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? और CA का प्रोटेस्ट भी वही लोग कर रहे हैं जिनको अधूरी जानकारी है। पर मैंने इस चीज़ को खुद से एनालाइज किया तब मुझे समझ आया कि कुछ 3 से 4 तरीके के लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। कौन लोग? अब जैसे ये इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज को ही देख ले, अपनी फील्ड में तो ये अच्छा खासा काम कर चुके हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं इन लोगों के, अपनी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में तो इनको अच्छी नॉलेज है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक के बारे में बिना पढ़े समझे अधूरे ज्ञान से ये लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इनको वर्क बन रहा है, लाइफ में इतना सब कुछ कर लिया है तो अब इनको लगता है क्यों ना इस टॉपिक पे कुछ बोल के थोड़ा कूल बन लिया जाए। और वैसे भी यार, ड्राइंग रूम डिस्कशन के लिए और न्यू ईयर पार्टी के लिए कोई कूल टॉपिक तो चाहिए ही होगा इनको। पर इनके फॉलोअर्स भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं इनको, ऐसा क्यों? वही इनके फॉलोअर्स ही है जो इनको फॉलो करते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब उन बेचारों के पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि वो इस चीज़ को पढ़े और समझे, उनको यही लगता है कि जो सेलिब्रिटी ने बोला है वो सही बोला होगा, और वो भी इस अधूरे ज्ञान का शिकार हो रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं पर फिर भी वहाँ पे हैं। हाँ यार, अब तू अर्बन नक्सल्स को ही देख ले, इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, इनका तो काम ही यही है कि ऑस फैलाओ, एनार्की फैलाओ, वॉयलेंस करो, और जब डरो ये लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाए तो फिर स्टेट पर कब्जा करो। और इस्लामिस्ट मेंटालिटी वाले लोग, इनका काम ही यही है, सिर्फ डेमोक्रेटिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाओ और बस अपनी चलाओ। अब तू देखना स्वीडन में क्या हो रहा है। अब बता, जो पुलिस के साथ हुआ क्या वो सही था? हाँ, ये लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कितना नुकसान कर रहे हैं, बसेस जला रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पुलिस से खड़ी खड़ी देखती रहती। पुलिस की भी फैमिली है, वो कुछ करे तो प्रॉब्लम, कुछ ना करे तो प्रॉब्लम, उन पे पत्थरबाजी करना, उन पे गोलियां चलाना, क्या वो सही था? बस यार बहुत हो गया, अब जब भी मौका मिलेगा ना इन लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से जरूर जवाब देंगे।